हाय गाइस, दिस इज़ यू फ्रॉम ऑटो रॉक्स। लेट्स स्टार्टेड। आज बात करने वाला है ह्यूंडई अल्काज़ार के बारे में, जो कि एक 7-सीटर SUV है, जो कि कम्पीट करेगी विद द MG एक्टर प्लस 7-सीटर XUV500 एंड सफारी के साथ। और इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो 12 लाख से लेकर 21 लाख तक जाएगी, या 15 लाख से लेकर 21 लाख तक जा सकती है। और ये ह्यूंडई की फर्स्ट 7-सीटर SUV है आफ्टर मैनी ईयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू लुक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट क्रेटा की तरह ही दिखती है, बट इसकी ग्रिल में थोड़ी चेंजेस की गई है। और इसके हेडलैम्प्स तो वैसे ही है क्रेटा की तरह, पर इसके फॉग लैम्प LED आएंगे, क्रेटा में आते हैं हेलोजन। और साइड लुक की अगर बात करें तो इसमें न्यू एलॉय व्हील्स आते हैं, और बॉडी क्लैडिंग भी आपको मिल सकती है। नीचे व्हील आर्चेस इसके बड़े हो सकते हैं। इसके साइड मिरर्स और साइड लुक थोड़ा लंबा होगा क्रेटा से, बिकॉज इट्स अ 7-सीटर SUV। सो आपको इसमें पीछे की सीट में थोड़ी स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। तो अगर हम बैक लुक की बात करें तो इसमें जो टेल लाइट्स और रियर फॉग लाइट्स है वो आपको क्रेटा से डिफरेंट मिलेगी। और ड्यूल एग्जॉस्ट आप नीचे देख ही रहे होंगे, और इसकी जो टेल लाइट्स है वो थोड़ी बहुत एंडेवर से इंस्पायर्ड है। सो आपको थोड़ा थोड़ा एंडेवर जैसा फील आ सकता है। और अगर टॉप व्यू की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, पर इन दिस पिक्चर ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिखाया गया है, बट आपको शार्क फिन एंटीना दिख रहा होगा ऑन टॉप। और तो अगर हम स्पाई इमेजेस की बात करें तो अल्काज़ार कुछ इस तरह की दिखती है ऑन द बैक साइड। और साइड व्यू की अगर हम बात करें तो इसकी टेल लाइट वैसी ही है जैसे हमने आगे वाले पिक्चर्स में देखी है, और इसके एलॉय व्हील्स भी वैसे ही है। डायमंड कट 18 इंचेस एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे, ये रहे देखो डायमंड कट एलॉय व्हील्स है। सो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्रेटा से। और अगर हम कलर्स की बात करें तो कुछ अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसे कुछ कलर्स हमको मिल सकते हैं अल्काज़ार। ये रहे 4 कलर्स, और टोटल 8 कलर्स इसमें अवेलेबल होने वाले हैं। ये सब कलर्स आपको क्रेटा में भी देखने मिल चुके हैं, बट आपको ये ग्रीन कलर न्यू मिलने वाला है, और ड्यूल टोन का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। सो ह्यूंडई दिस टाइम पूरा चेंज करने वाली है सेगमेंट को, 7-सीटर सेगमेंट को। और ये रहे कुछ इसकी टेल लाइट्स और हेडलाइट्स, आप देख ही सकते हो वैसी ही ग्रिल आपको मिल रही है, और आगे पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिख रहे होंगे और पीछे भी। और कलर्स के साथ ऐसी कुछ बात करें तो कुछ इस तरह की आपको दिख सकती है अल्काज़ार। ये थोड़ी चेंजेस है ग्रिल और व्हील एलॉय व्हील्स में, बाकी तो ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखनी चाहिए। और बैक लुक से भी इसकी टेल लाइट्स बिल्कुल भी ऐसी नहीं आने वाली है, इसकी टेल लाइट डिफरेंट होगी। आप देख ही सकते हो वो स्मॉल पिक्चर्स में आपको दिख रही होगी कि टेल लाइट पूरी तरह कैसी दिखती है इन नाइट। सो इसका लुक अच्छा पड़ेगा। और अगर हम सीटिंग ऑप्शन की बात करें तो इसमें 7-सीटर और 6-सीटर का ऑप्शन मिल सकता है आपको, लाइक MG हेक्टर। और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक क्रेटा ही आपको मिल सकता है डैशबोर्ड, बिकॉज MG हेक्टर में भी आपको 7-सीटर में भी MG हेक्टर 5-सीटर की तरह ही मिलता है डैशबोर्ड। और 7-सीटर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का 7-सीटर ऑप्शन आपको मिल सकता है, बीच में आर्मरेस्ट होगी और पीछे बच्चे ही बैठ सकते हैं क्योंकि बड़े कंफर्टेबल नहीं होंगे ऑन द बैक सीट। और पेज कलर में आपको ये सीट मिलने वाली है, लेदर सीट्स, इसका कलर पेज होगा, और शायद से टर्बो वेरिएंट आए तो उसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स भी आपको मिल सकते हैं। सो कुछ इस तरह के आपको लुक मिलेगा। और ये रहा देखो पेज कलर, और ये 6-सीटर ऑप्शन है जिसमें आपको बीच में आर्मरेस्ट दिख रहे, कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट मिल सकता है विद द 6-सीटर ऑप्शन। और आपको नीचे पीछे आपको मैगजीन होल्डर भी दिख रहे होंगे सीट के पीछे, और AC वेंट्स भी आपको दिख रहे होंगे। सो इसका जो बीच का सेंटर का पोर्शन है जो डिफरेंट लगता है 6-सीटर के हिसाब से, क्योंकि इसमें बेंच सीट्स नहीं आने वाली है, और इसमें कैप्टन सीट्स आने वाली है 6-सीटर में, और 7-सीटर में आपको बेंच सीट्स आने वाली है। सो ये सीट फोल्ड भी होती होगी पीछे जाने के लिए, अगर कोई पैसेंजर को पीछे जाना हो तो अभी वो जा सकता है। सो
बेस्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है अल्काज़ार को भी, जैसे आपको क्रेटा में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने वाला है वो तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने वाला है। सो फीचर्स की अगर बात करें तो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पोर्ट साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर सीट, ड्राइवर सीट, 10.25 इंच की स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, ब्लू लिंक जो कि एक कनेक्टेड कार टैक है, फिर ट्रैक्शन मोड और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, LED टेल लाइट्स, हेडलाइट्स। और अगर अदर फीचर्स की बात करें जो कि आपको अल्काज़ार में मिलना पॉसिबल हो सकता है वो है 360 पार्किंग कैमरा, पावर को ड्राइवर सीट, ड्यूल जोन AC, मोर फीचर्स इन Hyundai ब्लू लिंक और एक्सेट्रा। और अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको 3 इंजन ऑप्शन इसमें मिल सकते हैं अल्काज़ार में, आप देख ही सकते हैं 1.5 पेट्रोल, 1.4 टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 डीजल CIDI PGT इंजन। सो ये रहे कुछ इंजन जिसकी फिगर और टॉर्क ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे क्रेटा से, या ट्यूनिंग भी कर सकती है बिकॉज ये गाड़ी क्रेटा से बड़ी है। सो इसमें पावर और टॉर्क क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और अगर हम गेयरबॉक्स की बात करें तो कुछ इस टाइप के आपको गेयरबॉक्स मिल सकते हैं, 7-speed DCT, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड IVT मीन्स 6-speed ऑटोमेटिक इन पेट्रोल। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो क्रेटा चालू होती है 10 लाख से लेकर 17.54 लाख तक, और इसकी प्राइस रहेगी वो 11 से लेके 18 लाख, मीन्स ऑन रोड आपको पड़ सकती है ऑलमोस्ट 21 लाख। सो अगर हम स्पाई वीडियोस की बात करें तो कुछ इस तरह की आपको अल्काज़ार दिखने को मिल सकती है। ये चेन्नई के आसपास टेस्टिंग हो रही है। सो ये रहे देखो ड्यूल एग्जॉस्ट आपको देखने मिलेंगे, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कुछ इस तरह की आपको मिल सकती है अल्काज़ार देखने को। ये स्पाई वीडियो से जो कि अलग अलग सोर्सेस से पता लगा है, मोटर बीम ने ये स्पाई वीडियो को कैप्चर किया है, सो थैंक्स टू देम। और ये कुछ इस तरह की आपको टेल लाइट्स मिल सकती है इन द अल्काज़ार, और ये डिफरेंट देन क्रेटा लगती है। सो आपको इन नाइट आपको देखना चाहते हो कुछ ऐसी लगती है अल्काज़ार, ये आपको पता चलेगा ऑन 6 अप्रैल। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर द डिफरेंट ट्यूनिंग और डिफरेंट अपडेट्स। हमने आपके लिए आई बटन में लिंक छोड़ी है फॉर द XUV एंड द स्कॉर्पियो। सो आप ऊपर देख ही सकते हो आई बटन में, आपको इधर स्कॉर्पियो और XUV का वीडियो भी देख सकते हो आप, जो कि अभी हाल ही में टेस्टिंग हो रही है और कम्पीट करेगी विद द अल्काज़ार। स्कॉर्पियो तो नहीं कर सकती बट XUV कम्पीट करेगी विद द अल्काज़ार। सो आई बटन में आपको लिंक दी गई है, सो उधर जाके आप देख सकते हो। सो तब तक के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब फॉर मोर वीडियोस एंड टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड स्नैपचैट ऑल्सो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।